आज हमने शाम के डिनर में बनाया है आलू और सहजन की बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट सब्जी, जो कि सब लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं। ये गर्मियों में ही पाया जाता है सहजन, इसलिए आप लोग एक बार अपने घर पर इसी तरह बनाकर जरूर खाइएगा। तो आइए चलते हैं इस रेसिपी को देखने के लिए किचन की तरफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन फूड स्टाइल। तो गाइज, आज हम सहजन की सब्जी का एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने 250 ग्राम सहजन को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। सहजन की सब्जी जिन जिन लोगों को खाना पसंद है और जो जो लोग खाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमने गैस को जला दिया है और कढ़ाई उसके ऊपर रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, लगभग इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सहजन को डालकर 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम बराबर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। सहजन अब फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल कर एक प्लेट में बाहर रख लेते हैं और आलू को भी हम 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। आलू भी फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल कर हम बाहर रख लेंगे। तेल अब गर्म हो चुका है, अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे थोड़ा सा तड़कने देते हैं। अब इसमें हम एक बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे और प्याज को और हम 2 मिनट तक हम थोड़ा सा लाल होने देते हैं। प्याज हल्का लाल हो चुका है, अब इसमें हम लहसुन को डालेंगे और प्याज के साथ 1 मिनट तक लहसुन को भी हम भून लेंगे। प्याज और लहसुन लाल हो चुका है, अब इसमें हम ड्राई मसाला डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है। 1.5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमने मसाला सूखा डाला था इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसके मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मसाले को हम ढककर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। हम एक बार थाली को हटाएंगे और मसाले को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि मसाला जो है कढ़ाई में जले ना, इसलिए हम बीच बीच में से चलाते रहेंगे। अभी 2 मिनट तक मसाला और हम भून लेंगे। इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। हम थाली को हटाकर मसाले को एक बार और चलाएंगे तो देखिए मसाला जो अच्छे से भून चुका है, तेल अलग होने लगा है मसाला से। अब इसमें हम आलू और सहजन को डालेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे और भून लेंगे। 1 मिनट के लिए ढककर इसे और हम भूनेंगे। मसाले के साथ सहजन आलू को भून लिए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें लगभग हम 1.5 कप पानी डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी हमें थोड़ा गाढ़ी रखनी है इसलिए हम पानी थोड़ा सा डालेंगे, 1.5 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक को हम अच्छे से मिलाकर और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ढककर रख देते हैं। हम एक बार थाली को हटाएंगे और सब्जी को एक बार इसी तरह से हम चलाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी पकना शुरू हो चुका है। इसे अब हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप लोग एक बार अपने घर पे जरूर बनाइएगा। सब्जी अब खाने के लिए रेडी है फ्रेंड्स। ये आप रोटी चावल पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।